प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला युवा इकाई के जिला अध्यक्ष सौरभ भट्ट ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क में आज से उन्होंने अपनी भूख हड़ताल का श्री गणेश कर दिया है। सौरभ भट्ट का कहना है कि लगातार खस्ताहाल सड़कें लोगों को लील रही हैं और शासन प्रशासन आगे मुदे बैठा है, जिसके चलते उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है और उनका यह अनशन तब तक चलेगा जब तक सड़कों की हालत सुधारी नहीं जाती। उन्होंने आगे कहा कि वीआईपी मूवमेंट के चलते सड़कें चकाचक कर दी जाती हैं, मगर आम जनता के लिए जानलेवा बन चुकी सड़कों का कोई सुध लेवा नहीं है। सबसे पहले आपके सम्मानीय चैनल के माध्यम से आज जो हमारा एक विशेष दिन है 2 अक्टूबर का, पूज्य बापू जी का जन्मदिन है, आज पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, जिनको हम ईमानदारी के एक प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, और आज ही के दिन क्योंकि गांधी जी ने भी जो है खुद में कष्ट सहकर जो है देश की आज़ादी के लिए, देश के लोगों को जागरूक करने के लिए आंदोलन किए, उसी प्रेरणा को लेते हुए आज ही के दिन से हमने प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का, मैं जिला युवा अध्यक्ष हूँ, हमने जो सड़क की जो हल्द्वानी सड़क की जो सड़कें हैं और जो संपर्क मार्ग हैं उनकी बुरी स्थिति के कारण जो आए दिन की दुर्घटनाएँ हो रही है उनकी रोकथाम के लिए, उसके लिए हमने इनको 15-16 दिन पहले एक चेतावनी भी दी थी कि अगर 30 सितंबर तक सड़कें नहीं दुरुस्त की जाती है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, और मजबूरन आज हमको वो दिन आ गया है कि भूख हड़ताल के लिए बैठना पड़ा है। देखिए अभी माननीय जज हमारे यहाँ पर आते हैं, उससे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे शहर के अंदर आते हैं, जो कि हमारा सौभाग्य है आप लोगों का आना, आप लोग आए, हम लोग कृतार्थ हैं कि आप लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन आपके आने से पहले दो से तीन दिन भाई साहब, केवल 3 दिन के अंदर यहाँ की सड़कें दुरुस्त कर दी जाती है, चकाचक कर दी जाती है, जो बीच में डिवाइडर है उनको बिल्कुल लीपापोती करके उनको और उसके ऊपर गमले रख दिए जाते हैं, तो ऐसा लगता है बिल्कुल अपना शहर ही पहचान में नहीं आता उस दौरान। अभी भी माननीय जज आए हैं तो उनसे आने से पूर्व भी ऐसी चकाचक कर दी गई, लेकिन उससे पहले से 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, शिक्षक जीवन पंत की मृत्यु हो गई है, उसकी मजिस्ट्रेटियल जात इन्होंने बैठाई है, उसका भी अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। अभी हमारा अनिश्चितकालीन अनशन है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है कि यहाँ की सड़कों के लिए ये कोई हमको एक लिखित रूप से नहीं देते हैं कि हम इतने दिन के भीतर यहाँ की सड़कें चाक चौबंद कर देंगे, चलने योग्य बना देंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले।